वर्जन एक्सटेक 113 cc की, जो आपकी एक्सटेक्ट सी जी में लॉन्च हुई है। जी फ्रंटवुड की बात करें तो यहाँ पर आपको 3D में हीरो का लोगो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी की लुक को और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। आगे में आप बात करें हेडलैम्प, इसमें LED हेडलैम्प प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, जो रात के समय आपको कंफर्टेबल राइड देता है, काफ़ी सेफ्टी प्रदान करता है आपको। सामने वाले राइडर को भी काफ़ी सेफ्टी देता है और आपको भी कंफर्टेबल भी राइड देता है। साथ ही इसमें दिए गए हैं फ्रंट टेलीस्कोप सस्पेंशन, आप ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पर भी स्मूथली इस पर राइड कर सकते हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, साथ ही आपको डिस्क में दिया गया है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है। पंचर आपका टायर पंचर होता है तो इसकी एयर एकदम से नहीं निकलती है, तो क्लियर एयर कर रहे हैं आपकी एयर निकलती है, जिससे आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है। इसकी बात करें आप राइड, इसमें आपको स्टेशन का 3D में डिजाइन मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है देखने में आपको। अभी इसमें आपको बताना है गाड़ी में रन कर दिया तो बताना है किस रूम में। इसमें आपको इंटरग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, उससे आपको गाड़ी का तो अगला में 40% वर्क करता है, जिससे आप गाड़ी का बैलेंस काफ़ी अच्छा आता है, आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है। यहाँ पर आपको रियर में मफलर स्टील गार्ड मिल जाता है, जिससे आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है। रियर में यहाँ पर मफलर गार्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं रियर में, रियर में आपको जी ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है, ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको टेल लैंप मिल जाता है, जिससे आपकी गाड़ी का वो जो लुक है ना वो काफ़ी स्टाइलिश होता है, काफ़ी अच्छा भी आता है। रियर में टेल लैंप मिल जाते हैं, आपको टू ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, और आपको टर्न बाय टर्न लेने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। अब बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड कर्व व्यू की, इसमें आपको 113 cc का पावरफुल इंजन मिल जाता है, साथ ही FI टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल इंजेक्शन। आपकी गाड़ी के इंजन को जितनी पेट्रोल की ज़रूरत रहती है ना उतना ही पेट्रोल सप्लाई करती है, इससे आपकी गाड़ी का जो माइलेज है ना काफ़ी अच्छा आता है, साथ ही आपका पावर परफॉर्मेंस बना रहता है। पहले क्या होता था, गाड़ियों में कार्बोरेटर आता था, तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल सप्लाई होती थी वो बूंद बूंद करके होती थी, जिससे आपकी गाड़ी का जो फ्यूल था वो आधा एयर के जरिए बाहर वेस्ट हो जाता था। अब FI टेक्नोलॉजी ES6 मॉडल कर दिए हैं, ताकि इससे आपकी इंजन की जो फ्यूल सप्लाई है वो गाड़ी के इंजन को जितनी लगती है उतना ही यूज होती है, जिससे आपकी गाड़ी का पूरा जो फ्यूल है पूरा यूज होता है, मिश्रण होता है, जिससे आपकी गाड़ी का जो माइलेज है फ्यूल वेस्ट नहीं होता, तो जितना ज़रूरत रहता है वो उतना ही सप्लाई होती है, तो आपकी फ्यूल का जितना वो रहता है ज़रूरत उतना ही सप्लाई करती है, जिससे आप गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही इसमें आपको मिल जाती है XI टेक्नोलॉजी, अलग अलग 12 से 13 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेंसरों का कॉम्बिनेशन रहता है, जिससे आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है। जैसे आपका व्हीकल चेकअप लाइट होगी, बैक एंगल सेंसर हो, ये सभी सेंसरों में आता है। बात करते हैं हम इसके डिजिटल मीटर की, इसमें दिया गया है तो डिजिटल मीटर, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा व्हीकल चेकअप लाइट। व्हीकल चेकअप लाइट आपकी गाड़ी या इंजन से जुड़ी कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है आपकी गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी का जो व्हीकल चेकअप लाइट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको पहले इंडिकेट कर देगी, तो आप सिंपल सा वर्कशॉप पर लाकर गाड़ी को चेक करा सकते हैं, जिससे आप किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देगी, साथ ही यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिल जाएगा। इंडिकेटर जैसे स्टैंड खुला हुआ होगा, पहली बात तो इसमें साइड का इंजन कट ऑफ दिया गया है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, काफ़ी स्टैंड खुला हुआ होगा तो आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देगी, और दूसरी चीज़ में स्टैंड कट ऑफ है तो आपकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, स्टार्ट तो होगी बट आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे ही आप ब्रेक डालोगे तो आपको स्टैंड कट ऑफ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, आपकी गाड़ी में फ्यूल कम रहेगा तो आपको यहाँ पर पहले ही इंडिकेट कर देगा, ताकि आप फ्यूल खत्म होने से बच सकते हैं, यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गैर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ITS ऑप्शन मिल जाएगा, ITS यहाँ पर दिया गया है, आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम,
आप कहीं नॉर्मली कहीं चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं, और आप कहीं नॉर्मली दो या पाँच मिनट के लिए रुकते हैं, सिग्नल पर रुक जाते हैं, या फिर किसी रास्ते में किसी मित्र से बात करने लगते हैं, दोस्त से, तो आप नॉर्मली पाँच मिनट की गाड़ी कोई बंद ही नहीं करता, लेकिन गाड़ी पाँच सेकेंड लेगी आपकी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और आप क्लिक दबाओगे ऑन हो जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि पाँच दस मिनट के लिए कोई वो भी नहीं करता, दिन भर में आप तीन जगह रुकते हो तो दस दस मिनट करके तीस मिनट आपके हो रहे हैं, आधा घंटे आपकी गाड़ी ऑफ रहेगी जो कभी ऑन रहती थी, तो तीस मिनट का जो माइलेज है वो आपका सेफ हो गया, इससे आपकी गाड़ी का माइलेज जो है ना और अच्छा आएगा आपका ICS में। यहाँ पर आपको मोबाइल सॉकेट मिल जाएगा, मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो, आप इसमें USB केबल लगाकर मोबाइल चार्ज कर सकते हो, पहले बाइक में सिर्फ अदर ऑप्शन करवाना पड़ता था चार्जिंग के लिए, लेकिन अब इसमें आपको ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है, तो आप सिर्फ USB केबल लगाकर इसमें मोबाइल चार्ज कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको डिजिटल मीटर में एक और चीज़ बहुत अच्छी आई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप इसमें कॉल अलर्ट के साथ साथ उसका नाम भी देख सकते हैं किसका फ़ोन आ रहा है, और अन्य बाइक में आप देखोगे पहले कॉल अलर्ट आया था, अब इसके साथ साथ नाम भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, किसका फ़ोन आ रहा है आपके मोबाइल में, यदि कॉन्टैक्ट सेव है तो आपको इसमें उसका नाम दिख जाएगा, और कॉन्टैक्ट सेव नहीं है तो अननोन करके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको RTMI मिल जाएगा, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, आपकी गाड़ी ने पिछले समय में क्या माइलेज दिया वो आपको यहाँ पर शो करेगा, पिछले समय का माइलेज आप डिस्प्ले पर देख सकते हो क्या माइलेज दिया। यहाँ पर आपको सर्विस इंडिकेटर मिल जाएगा, सर्विस इंडिकेटर आपकी गाड़ी सर्विस पे आएगी तो गाड़ी खुद बता देगी सर्विस पे आ चुकी है गाड़ी, यहाँ पर आपको सर्विस इंडिकेट कर दिया जाएगा। और क्या रहे मैडम कंटिन्यू कर दिए, साथ ही हमारी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी ऑटो सेल टेक्नोलॉजी, ऑटो सेल टेक्नोलॉजी आपकी गाड़ी किसी भी गियर पर बिना एक्सीलेटर दिए मिनिमम स्पीड पर चलती रहेगी, जो झटके लेके बंद होती है ना वो बंद नहीं होगी, पिछले समय में आपने गाड़ी बहुत सी देखी होगी जैसे आपकी फोर गियर पे चल रही है, थर्ड गियर पे चल रही है, आप एक्सीलेटर स्लो कर देते तो गाड़ी आपके झटके लेके बंद हो जाती है, अब ऐसे दिक्कत नहीं होगी आपकी, इसमें मिल जाएगी आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी, ऑटो सेल टेक्नोलॉजी से फोर गियर पर हो, थर्ड गियर पर हो या सेकेंड गियर पर हो, RPM ऑटोमेटिक गाड़ी पकड़े रहेगी, RPM नहीं तोड़ेगी, इसमें ऑटो सेल टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। साथ ही इसमें आपको एक और सेफ्टी फीचर मिल जाता है, बैक एंगल सेंसर, आपकी गाड़ी 45 डिग्री तक घूमती है, गाड़ी जैसे ही गिरने की पोजिशन में आती है तो गाड़ी का इंजन तुरंत बंद हो जाएगा, ऐसे ही गिरेगी, इससे आपकी गाड़ी का स्लिप नहीं होगी, आपको और आपकी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसमें आपको बैक एंगल सेंसर मिल जाएगा। पहले समय की गाड़ी आपने देखी होगी, जैसे गाड़ी गिरती थी इंजन चालू रहता था, ऑन रहता था, गाड़ी स्लिप होती थी क्योंकि इंजन बंद नहीं होता था, टायर घूमता रहता था तो गाड़ी स्लिप होती थी, तो इसमें ये ध्यान में रखते हुए इनमें एक सेफ्टी फीचर लाया गया, तो जैसे ही गाड़ी गिरेगी तुरंत इसमें बंद हो जाएगा, जिससे आप गाड़ी स्लिप नहीं होगी, इसमें आपको ये बैक एंगल सेंसर मिल जाता है। अभी इसमें आपको एक बात करें तो इसमें आपको लो कोल्ड स्टार्ट मिल जाता है, हमारी गाड़ी में लो कोल्ड स्टार्ट आता है, जैसे गाड़ी ज़्यादा कोल्ड जैसे ठंडी जगह जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में गाड़ी ऑन नहीं होती, गाड़ी ऑन नहीं होती, लेकिन हमारी गाड़ी में लो कोल्ड सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही आप गाड़ी एक दो बार की ऑन करना रहेगा आपको तो सिंपल से आराम से स्टार्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी, आपको ना ही हीट देने की जरूरत है ना ही बार बार सेल्फ देने की जरूरत है, लो स्टार्ट मिल जाता है इसमें आपको, लो कोल्ड स्टार्ट।